हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम लौटे हैं जीवन परिचय लेकर बिग बॉस 11 की प्रतिभागी सपना चौधरी का। जी हाँ दोस्तों, बिग बॉस शो अपने आप में एक विवादास्पद शो है, जिसकी प्रतिभागी सपना चौधरी एक चर्चित नर्तकी और गायिका है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में सिंगर सपना चौधरी नाम से ये काफ़ी लोकप्रिय है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाइए, जिससे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। गत वर्ष भारतीय टेलीविजन की कलर्स चैनल पर 1 अक्टूबर से प्रसारित शो बिग बॉस 11 की प्रतिभागी के रूप में चर्चा में थी। ये एक कॉमनर प्रतिभागी के रूप में शो में थी और यह शो विवादास्पद प्रतिभागियों की मांग भी करता है, इसलिए प्रशंसकों के मनोरंजन के लिए सपना चौधरी जैसे व्यक्तित्व दिलचस्प होगा, जिसे हर बार सलमान खान होस्ट किया करते हैं। दोस्तों, इनका जन्म हरियाणा के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। जब वह सिर्फ 12 साल की थी तब भी उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। पिता की मृत्यु के बाद परिवार की जिम्मेदारियों में अपना समर्थन देने के लिए उन्होंने अपने शौक नृत्य और गायन को अपना व्यवसाय बना लिया और इस कला के माध्यम से ही वो पैसे और शोहरत कमाने लगी। सपना ने दिल्ली और हरियाणा की कई पार्टियों में अपने गायन और नृत्य का प्रदर्शन किया है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत हरियाणा के स्थानीय ऑर्केस्ट्रा टीम के साथ की थी। वह सलवार कमीज और दुपट्टे के साथ ही नृत्य का प्रदर्शन करती हैं। बहुत ही कम समय में वह एक प्रसिद्ध गायिका के रूप में लोगों से सराहना और प्रशंसा प्राप्त कर ली है। अपने पहले गीत सॉलिड बॉडी के बाद वह सुपरस्टार बन गई थी। सपना चौधरी जब भी लाइव शो करती हैं तब वह हर उम्र के दर्शक उनकी नृत्य और गायन शैली का भरपूर आनंद लेते हैं। उनके प्रशंसक उनके नृत्य वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड करते हैं। सपना चौधरी यूट्यूब पर भी काफ़ी मशहूर हैं। उन्होंने अपने आप को हरियाणवी गायिका के रूप में स्थापित किया है। अब वह 20 से भी अधिक कई मशहूर गाने गा चुकी हैं। सपना चौधरी का विवादों से अक्सर आमना सामना होता रहा है। सपना चौधरी के बारे में लोगों की अपनी राय है, जिनमें से कुछ उन्हें आइटम गर्ल कहते हैं तो कुछ लोग उनके नृत्य को अश्लील मानते हैं। कई लोगों ने उन्हें अभद्र की श्रेणी में रखा है, लेकिन सपना ने ऐसे लोगों को अपने जवाब में ये कहते हुए अश्लील होने के टैग को अस्वीकार कर दिया कि अगर वह अश्लील हैं तो बॉलीवुड में जो भी अभिनेत्री आइटम गानों पर नृत्य करती है वह भी अशिष्ट है। सपना उस वक्त विवादों में फिर से आ गई जब उन्होंने चूहे मारने की दवा को खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी। अपनी आत्महत्या की कोशिश का कारण उन्होंने यह बताया था कि 2016 में उनके एक शो के दौरान यह आरोप उन पर लगा था कि उन्होंने दलित भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। इसके लिए उन्हें खिलाफ 2 मामले दर्ज किए गए थे। साथ ही सतपाल तंवर ने उनके खिलाफ ऑनलाइन अभियान चलाया था, जिस वजह से वह उदास होकर आत्महत्या करने की कोशिश करने लगी थी। तो दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए सपना चौधरी का डांस अश्लील है या नहीं, हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर करें। थैंक यू।